सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस ब्यूटीफुल से चैनल एनवीके क्लासेस पे स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में, क्लास 11th का ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर दूसरा, ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर दूसरा है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि चैप्टर बता रहा है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड का मतलब हमारे बॉडी में दो तरीके की फ्लूइड्स पाई जाती हैं, एक होता है ब्लड और एक होता है लिम्फ। दो तरीके की फ्लूइड पाई जाती हैं जो कि सर्कुलेशन में मदद करती हैं। सर्कुलेशन में मतलब न्यूट्रिएंट्स का, ऑक्सीजन का और इंसेंशियल सब्सटेंसेस का इनको सर्कुलेट कराएंगी, पहुंचाएंगी और वहां से हार्मफुल सब्सटेंसेस को वापस लेकर आएंगी। ये कैसे कर रही होंगी सब ट्रांसपोर्ट, ये सर्कुलेशन चीज़ों का कैसे हो रहा होगा, इस चैप्टर में लोग पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है? ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसके अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स और प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट पाया जाता है। ये तीन चीज़ें ब्लड के अंदर पाई जाती हैं। देखो भाई, ये एनसीईआरटी का हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड बनता है क्वेश्चन, सो यू शुड स्टडी केयरफुली एवरी एंड ईच लाइन ऑफ द एनसीईआरटी, ठीक ना। इंग्लिश थोड़ी बेकार है, मैनेज कर लेना ब्रो। बट सो चलिए टॉपिक पे आते हैं। हमारे ब्लड के अंदर ये तीन चीज़ें पाई जाती हैं, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा जो है ये लगभग पूरे ब्लड का 55% पाया जाता है, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हो, पर से 55% प्लाज्मा, ठीक ना। और फॉर्म्ड एलिमेंट 45% पाया जाता है। प्लाज्मा के बारे में अगर हम बात करें तो प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड होता है। प्लाज्मा के अंदर 90-92% पानी पाया जाता है, 6-8% प्रोटीन पाई जाती है। उस प्रोटीन में फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, ये मेजर प्रोटीन्स हैं। एक और है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। ये भी एक तरीके का प्रोटीन पाया जाता है प्लाज्मा के अंदर। इसमें से पहला फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग एंड कोगुलेशन में हेल्प करता है। ग्लोबुलिन का जो काम होता है, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी में, डिफेंस मैकेनिज्म में ये काम करता है, ठीक है, कौन, ग्लोबुलिन। एल्बुमिन जो होता है ये ऑस्मोटिक बैलेंस में काम करता है, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर और भी स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स पाई जाती हैं, जैसे सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, क्लोरीन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ऐसी बहुत सी चीज़ें, ये सब पाई जाती हैं प्लाज्मा के अंदर। से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दें तो उसको हम सीरम के नाम से जानते हैं, ठीक है। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज़ कॉल्ड सीरम। नेक्स्ट है हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट जो कि 45% होता है टोटल ब्लड का, इसमें इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स, ये तीन चीज़ें आती हैं। इरेथ्रोसाइट ये साइंटिफिक नेम है आरबीसी का, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम है, एंड प्लेटलेट्स ये साइंटिफिक नई नेम है, ठीक है। ये फॉर्म्ड एलिमेंट हैं जिनमें से इरेथ्रोसाइट होता है ये मोस्ट अबंडेंट सेल होता है, एंड एक एवरेज ह्यूमन के ब्लड में देखें तो आरबीसी का जो अमाउंट होता है वो लगभग 5-5.5 मिलियन होता है, ठीक है। 5 मिलियन का मतलब 50 लाख, 1 मिलियन मतलब 10 लाख। आरबीसी जो है हमारा रेड बोन मैरो में बनता है। आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता, डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस। आरबीसी का शेप बाइकॉनकेव होता है, यानी इस तरीके का शेप दिखता है उसका, ठीक है ना। इसके अंदर आरबीसी का जो मतलब अपीयरेंस होता है बाइकॉनकेव शेप होता है, और देखने में ये रेड कलर का दिखता है ड्यू टू आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, ठीक। एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 आयरन पाई जाती हैं। अगर हम बात करें एक हेल्दी इंडिविजुअल पर्सन की, तो हर 100 ml में 12-16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाई जाती है। आरबीसी का ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पिरेटरी गैसेस जैसे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इनको ट्रांसपोर्ट करने में भी आरबीसी का बहुत मेजर रोल है। लाइफ स्पेन की बात करें आरबीसी की, तो 120 दिन होती है, और 120 दिन के बाद जाकर के आरबीसी स्प्लीन में डेड कर जाते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है ना, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट को डब्ल्यूबीसी के नाम से जानते हैं। इन शॉर्ट कलरलेस होता है क्योंकि इसके पास हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, और इसका जो अमाउंट होता है एवरेज अमाउंट हमारे ब्लड में 6000-8000 होता है। ल्यूकोसाइट का जो
लाइफ स्पैन होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, लगभग 7 से 10 दिन होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। अगर हम कहें तो मेजॉरिटी ऑफ केस में 1 वीक कहा जाता है, लेकिन 7 से 10 दिन ये होता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ल्यूकोसाइट के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है ग्रेनुलोसाइट, एक होता है अग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल, इजिनोफिल, बेसोफिल पाए जाते हैं, और अग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट पाया जाता है। ल्यूकोसाइट यानी WBC, शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगा, स्पेलिंग के लिए आप बुक से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। WBC के 2 टाइप्स होते हैं, पहला होता है ग्रेनुलोसाइट और दूसरा होता है अग्रेनुलोसाइट, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट के 2 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होता है, सॉरी, एक होता है न्यूट्रोफिल, दूसरा होता है बेसोफिल, एक होता है इजिनोफिल। ग्रेनुलोसाइट में 2 होता है, एक होता है मोनोसाइट, एक दूसरा होता है लिम्फोसाइट। न्यूट्रोफिल में 60 से 65% पाया जाता है, जो कि मोस्ट अबंडेंट फॉर्म में यही पाया जाता है। बेसोफिल 0.5 से 1% पाया जाता है, सबसे कम ये पाया जाता है, सबसे ज़्यादा सबसे कम आपको कम से कम ये दोनों पता रहना चाहिए। जबकि NCERT की बात है, सब आपको आना चाहिए कि कितना किसका अमाउंट है। इजिनोफिल 2 से 3% पाया जाता है, मोनोसाइट 6 से 8%, और लिम्फोसाइट जो होता है 20 से 25% पाया जाता है, ठीक है। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ये जो दोनों होते हैं ना, ये फैगोसाइटिक सेल होते हैं, यानी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में जब इंटर करता है तो ये दोनों उनको फैगोसाइटिक मतलब इनगल्फ करने में उनको खा जाते हैं, निगल जाते हैं। बेसोफिल होता है और इजिनोफिल एंड लिम्फोसाइट, ठीक है, इसके बारे में ये डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी अच्छे से समझते हुए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, न्यूट्रोफिल मोस्ट अबंडेंट होता है 60 से 65% पूरे WBC का, बेसोफिल 0.5 से 1% होता है। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट ये जो दोनों होते हैं ये फैगोसाइटिक सेल होते हैं, और मोनोसाइट का जो अमाउंट होता है 6 से 8% होता है, ठीक है, किसी भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं फॉरेन पार्टिकल को जब हमारे बॉडी में इंटर कर रहा होता है। तो बेसोफिल सेक्रेट करता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपरिन, ये तीनों को याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। और बेसोफिल जो है ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में, इन्फ्लेमेशन का मतलब जहाँ पे भी सूजन आ जाता है ना, जैसे मधुमक्खी ने काट लिया, तो उसके काटने के दौरान जब सूजन आती है उस जगह पे, उस पोजीशन पे, वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन यानी बेसोफिल का रोल होता है, ठीक है। जहाँ पे इन्फ्लेमेशन आता है ना, वहाँ पे इसका रोल होता है, ठीक। और इजिनोफिल होता है, ये रेसिस्ट करता है इन्फेक्शन को, यानी कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जब जहाँ पे बेसोफिल वर्क करेगा तो सूजन आ जाएगी, और इजिनोफिल जब वहाँ पे एक्ट करेगा तो वो उस पोजीशन को रिलैक्स कर लेगा, मतलब इसलिए इन्फेक्शन, ठीक ना, यानी कि ये इसके अगेंस्ट काम करता है। लिम्फोसाइट 20 से 25% पाया जाता है। लिम्फोसाइट के 2 मेजर टाइप होते हैं, बी और टी फॉर्म, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट के नाम से जानते हैं। ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्यून रिस्पॉन्स में, ठीक है, बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स में दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टी सेल को हेल्पर सेल कहा जाता है। प्लेटलेट्स जिसको हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं, आर सेल फ्रेगमेंट प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट, जिसको स्पेशल सेल बोलते हैं। मेगा कैरियोसाइट जो होता है ये एक स्पेशल सेल होता है, ठीक, इन द बोन मैरो में। यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये है बेसिकली कि प्लेटलेट्स जो होता है ना, ये थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है, और ये मेगा कैरियोसाइट का एक फ्रेगमेंट है, टूटा हुआ एक पार्ट है। मेगा कैरियोसाइट जो होता है ना, ये एक स्पेशल सेल होती है, जब ये फ्रेगमेंट में टूट जाता है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में, तो ये प्लेटलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये कहा गया यहाँ पे। ब्लड में लगभग प्लेटलेट्स का जो अमाउंट होता है वो 1.5 लाख से 3.5 लाख होता है, और जब इसका अमाउंट घटने लगता है तो उस केस में क्लॉटिंग डिसऑर्डर देखने को मिलता है, और उस केस में एक्सेसिव ब्लड का लॉस होना तय है, यानी कि ब्लड आपका बहता जाएगा, रुकेगा, यानी क्लॉटिंग वहाँ पे वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका अमाउंट कम हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप 2 तरीके के होते हैं, एक होता है ABO ब्लड ग्रुप और दूसरा RH ग्रुपिंग, ठीक है। ABO के बारे में हम बात कर लेते हैं। इस टॉपिक में थोड़ा सा दिक्कत होता है हम सभी लोगों को, सो ट्राई करूँगा कि इस टॉपिक में ज़्यादा दिक्कत ना हो, ज़्यादा नहीं हो, आपके डाउट्स को पूरा कोशिश करूँगा कि आप अच्छे से इस टॉपिक को समझ लें, इस ABO ग्रुपिंग को, ठीक ना। देखो ABO ग्रुपिंग
इसका नाम कैसे पड़ा, क्योंकि इसके पास चार तरीके की ब्लड ग्रुप होते हैं। एक होता है ए बी, ए बी ओ, चार तरीके के ब्लड ग्रुप हैं ए बी ओ, ठीक है। इन चारों में देखा जाए ए बी ओ, ठीक है, यहाँ पे मिला, इसलिए इसका ए बी ओ ग्रुपिंग के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। अब हम अगर बात करें कि ए बी, ए बी और ओ, ये ब्लड ग्रुप नाम क्यों पड़ा, तो इसका नाम ऐसे पड़ा कि हमारे ब्लड में आर बी सी पाई जाती है, ठीक है। आर बी सी के सरफेस पे जिस तरीके की एंटीजन पाई जाएगी उस तरीके का ब्लड ग्रुप होता है, ठीक ना। और जिस तरीके का प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाएगी, इस चार्ट के जो बुक में चार्ट दे रखा है ना ये वाला, इसको अभी हम समझेंगे। पहले यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, चार तरीके की ब्लड ग्रुप होता है ए बी, ए बी और ओ, ठीक है ना। अगर सपोज ये आर बी सी है, हालांकि आर बी सी बाई कॉनकेव शेप का होता है, बस मान लीजिए कि ये आर बी सी है। आर बी सी के सरफेस पे सपोज कि ये एंटीजन ए है, ये आर बी सी है, इसके सरफेस पे एंटीजन बी है, ये आर बी सी है, इसके सरफेस पे एंटीजन ए बी है, और ये एक आर बी सी है जिसके सरफेस पे कुछ नहीं है, ठीक है। अगर किसी पर्सन के आर बी सी के सरफेस के ऊपर, सरफेस की बात की जा रही है, ऑन द सरफेस, ठीक है ना, अगर ए एंटीजन होगा तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए होगा, अगर आर बी सी के सरफेस पे ए एंटीजन होगा तो ब्लड ग्रुप बी होगा, अगर आर बी सी के सरफेस पे ए बी दोनों साथ में एंटीजन पाया जाएगा तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, अगर आर बी सी के सरफेस कुछ भी नहीं पाया जाएगा, कुछ भी नहीं मतलब ए या बी या ए बी इनमें से कुछ भी नहीं पाया जा रहा है, जिसको हम नील के नाम से जानते हैं, ठीक है, नील, नील मतलब कुछ नहीं पाया जाता है, तो ब्लड ग्रुप ओ होता है। अब एक नेक्स्ट टर्म है एंटीबॉडी, वो क्या होता है, एंटीबॉडी जो होता है ना ये प्लाज्मा में पाया जाता है, ठीक। तो जैसा कि यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप है इसका अपोजिट एंटीबॉडी पाया जाएगा, ए का अपोजिट बी, बी का अपोजिट ए, ए बी का अपोजिट नील और ओ का अपोजिट ए बी, ठीक है ना। तो अगर ब्लड ग्रुप ए होगा तो उसके अंदर एंटीबॉडी जो पाई जाएगी उस ब्लड ग्रुप के अंदर बी एंटीबॉडी पाई जाएगी, बी ब्लड ग्रुप होगा तो ए एंटीबॉडी पाई जाएगी, ए बी ब्लड ग्रुप होगा तो नील यानी कुछ भी नहीं पाया जाएगा, कुछ भी नहीं मतलब एंटीबॉडी उसके अंदर नहीं पाई जाएगी। अगर ब्लड ग्रुप ओ होगा तो उसके अंदर एंटीबॉडी ए बी पाई जाएगी, ठीक है। अब ये चार्ट आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी ओ, एंटीजन ऑन आर बी सी, यानी आर बी सी ऑन मतलब उसके सरफेस की बात कर रहा है, अगर आर बी सी के सरफेस पे एंटीजन होगा ए होगा तो ए ब्लड ग्रुप, बी होगा तो बी, ए बी, ए और बी दोनों होगा जिसको ए बी बोलते हैं तो ए बी होगा, नील मतलब कुछ नहीं अगर होगा तो ओ ब्लड ग्रुप होगा। जो ब्लड ग्रुप है इसका अपोजिट एंटीबॉडी पाया जाता है, देखो ए ब्लड ग्रुप है तो एंटी बी पाया जाएगा, बी है तो एंटी ए, ए बी मतलब नील मतलब कुछ नहीं पाया जाएगा, ओ है तो एंटी ए और बी पाई जाएगी दोनों। अब डोनर ग्रुप की बात करते हैं, डोनर ग्रुप यानी कौन ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है, ठीक। ब्लड ग्रुप ए है तो ए को कौन कौन ग्रुप जो होंगे वो दे दें, तो वो है ए और ओ, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ओ, ये दोनों ए को दे सकते हैं। बी ब्लड ग्रुप अगर किसी का है तो सिर्फ इसको कौन देगा, बी देगा और ओ देगा। ए बी जो है इस ए बी ब्लड ग्रुप को ए बी दे सकता है, ए दे सकता है, बी दे सकता है और ओ, ये चारों दे सकते हैं किसको, ए बी को। और किसी के पास अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो ओ को कौन देगा, सिर्फ और सिर्फ ओ देगा। अब यहाँ पे आप एक चीज़ कॉमन पा रहे होंगे कि ए मतलब ब्लड ग्रुप ए वाले में भी ओ है, यहाँ पर भी ओ है, यहाँ पर भी ओ है, यहाँ पर भी ओ है, यानी कि कोई सा भी ब्लड ग्रुप हो ओ सबको ब्लड ग्रुप अपना देगा, ओ सबको देगा, लेकिन लेगा सिर्फ किससे, ओ से ही लेगा, लेकिन देने के लिए ओ सबको दे सकता है, इसीलिए ओ को हम यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे लिखा होगा ओ ग्रुप इंडिविजुअली आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, ठीक ना। ए बी जो ब्लड ग्रुप है ये सबसे ले सकता है, इसीलिए हम ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं, ठीक ना। ए बी जो है देखो यहाँ पे ए बी कौन को डोनेट कर रहा है, ए बी डोनेट कर रहा है, ए डोनेट कर रहा है, बी डोनेट कर रहा है, ओ डोनेट कर रहा है, इसीलिए ब्लड ग्रुप ए जो होता है, ए बी ये वाला, इसको हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट है हमारा आरएच ग्रुपिंग। आरएच ग्रुपिंग इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो आरएच ग्रुप है ना, ये सबसे पहले रेसस नाम के मंकी में देखा गया था। ऑल्सो ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ आरबीसी, ये भी जो होता है ना, देखो एज ए सिंपल में अगर आपको डायरेक्ट समझाऊँ आरएच ग्रुपिंग क्या होता है, तो आरएच ग्रुपिंग आपने, आपको तो ये कन्फर्म पता होगा कि किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए होता है, बी होता है, ये सब होता है, लेकिन साथ में कुछ और होता है। देखे होंगे आप ए बी पॉजिटिव है या ए बी निगेटिव है, ठीक है, ओ पॉजिटिव है, ओ निगेटिव है, इस तरीके का आप पॉजिटिव निगेटिव का खेल देखते होंगे। जो पॉजिटिव निगेटिव है बेसिकली यहीं से आता है, ठीक है। अगर किसी भी ब्लड ग्रुप के पास ये इस तरीके की ग्रुपिंग होगी तो वो पॉजिटिव में आएगा। सपोज मान लीजिए मेरे पास ब्लड ग्रुप ए है मान लीजिए, और आर एच ग्रुपिंग भी है, तो मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होगा। अगर आर एच ग्रुपिंग नहीं है मेरे ब्लड ग्रुप में, तो मेरा जो बॉडी में जो ब्लड ग्रुप ए है ये होगा ए नेगेटिव। अपने को ले लीजिए, अगर आपके अंदर सपोज ओ है, आप यूनिवर्सल डोनर अगर हैं, ठीक है, और आपके पास आर एच ग्रुपिंग नहीं है, नहीं है मतलब नेगेटिव, इसलिए आपके पास ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा। अगर आपके पास आर एच ग्रुपिंग है तो पॉजिटिव, यानी आपके पास ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव यहीं से आता है। अब जल्दी पढ़ लेते हैं। इन द सर्फेस ऑफ आरबीसी, ये भी जो होता है आरएच ग्रुपिंग, ये भी आरबीसी के सर्फेस पे पाया जाता है। लगभग 80% ऑफ ह्यूमंस में आरएच ग्रुपिंग देखने को मिलता है, ठीक है, जिसके पास होगा पॉजिटिव, जिसके पास नहीं होगा निगेटिव बोलेंगे, ठीक है। आरएच एन आरएच निगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज टू आरएच पॉजिटिव बॉडी विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट द आरएच एंटीजन। आप ये बोला ना कि अगर किसी के पास निगेटिव मतलब है और वो पॉजिटिव के ब्लड ग्रुपिंग से उसका मैच कर जा रहा है, तो उस केस में आरएच जो होगा बॉडी, आरएच एंटीजन होगा, इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाने लगेगा, ठीक है। ऐसा केस देखने को मिलता है जिसको हम यहीं पे लिखा हुआ है लास्ट में इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है। सो इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस को कंडीशन को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो मदर का ब्लड ग्रुप है वो निगेटिव होना चाहिए, और बेबी का जो, ये बेबी है इसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, आरएच निगेटिव आरएच पॉजिटिव। अब जब फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान ये जब बेबी जन्म ले रहा है, इस केस में जाहिर सी बात है ब्लड जो होता है बाई अ प्लेसेंटा, ठीक ना, प्लेसेंटा जो होता है 50-60 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है प्लेसेंटा, इसके थ्रू ये बेबी जो होता है मदर से अटैच होता है। अब जब इसको कट किया जाता है प्लेसेंटा को, सपोज मान लीजिए कि ये प्लेसेंटा, मान लीजिए इसको ये प्लेसेंटा, जब इसको कट किया जाता है तो यहाँ पे मदर का ब्लड और बेबी का ब्लड दोनों मिक्स कर जाते हैं, ठीक है, दोनों मिक्स कर जाते हैं। इस केस में जो बेबी का जो ब्लड है यानी पॉजिटिव वाला आरएच जो पॉजिटिव है, ये इस मदर के ब्लड के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लगता है, ठीक है, एंटीबॉडी एंटी आरएच, ठीक है ना, ये जनरेट करने लगता है, ठीक, मदर के अगेंस्ट। तो पहले प्रेगनेंसी में तो कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जब सेकेंड प्रेगनेंसी होती है, यहाँ पर जब सेकेंड प्रेगनेंसी होती है दोबारा से, तो इस केस में बेबी जो है ये पहले प्रेगनेंसी के दौरान एंटी आरएच को बना के रखा हुआ है, एंटी आरएच एंटीबॉडी को बना करके रखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही सेकेंड डिलीवरी होगी, उस दौरान जो सेकेंड बेबी होता है ये क्लंप कर जाता है एंटी आरएच, क्योंकि बना हुआ था पहले से, और सेकेंड जो बेबी होता है ये डेड कर जाता है, ठीक। और ऐसे केस में जो डेड करने का कॉज होता है वो जॉन्डिस या एनीमिया जैसी डिजीज की वजह से होता है, मतलब उस केस में ये देखने को मिलता है जॉन्डिस और एनीमिया, ठीक ना। तो ये होता है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इसको अवॉइड किया जा सकता है, दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्टरिंग एंटी आरएच एंटीबॉडी टू द मदर एंड इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। जैसे ही फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी हो रही है वैसे ही एंटी आरएच एंटीबॉडी जो है इसको सही करना होता है, ठीक ना, यानी कि ताकि ये मदर के अगेंस्ट एंटी आरएच एंटीबॉडी ना बना पाए, तो जस्ट डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड आप इसको सही करा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा जो होगा नेक्स्ट वाला वो डेड कर सकता है, ठीक है, ड्यू टू जॉन्डिस एंड एनीमिया जैसे डिजीज़ की वजह से,
ऐसे केस में ये देखने को आपको मिलता है। ठीक है, तो ये था RH ग्रुपिंग, जिसमें एक स्पेशल कंडीशन जैसे इराथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस होता है। ये है फर्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर कोगुलेशन ऑफ ब्लड से होगा। सो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।